केस करे से पुलिस से मारे ऊपर मुकदमे ठोकर से ठीक है। नया ब्याह सरकार कैसे को नहीं घूमनी वाली सरकार से, इसका नया नहीं कोई इसका बाहर नहीं। अभी फिलहाल हम लोग हैं खेदड़ में, और खेदड़ में जैसे कि किसान और प्रशासन के बीच समझौता हुआ था, समझौते में क्या रहा, दो दिन का समय बीत चुका है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो भारी बारिश से, बारिश के कारण यहाँ जो किसान महिलाएं पुरुष जो बैठे थे, आप देख रहे हैं ये गद्दा बिछा रखा था, इस गद्दे के ओत में आकर पानी से ताकि ना भीजें, सिर के ऊपर एक गद्दा एक तरह से डाला हुआ है। मेरे साथ किसान के बुजुर्ग नेता भी हैं, हम बात करते हैं इनसे क्या हुआ है, जैसे निर्णय जो हुआ था, फैसला हुआ था, प्रशासन जल्दी कार्य करेगी और तरह से समझौता हुआ था, उस समझौता में अभी तक क्या हुआ है। सर नमस्कार। हाँ जी सर, जो समझौता हुआ था क्या, जैसे हो गया था समझौता, तो उसके बाद अभी तक क्या सिरे चढ़ा है, अभी क्या रह गया है? अभी तक कुछ सिरे नहीं चढ़ा है। कल कह रही थी सरकार के हम कागज पूरे करके रिहा कर देंगे बच्चों को जी। आज अभी तक कोई रिहाई नहीं हुई है। मैंने आज पता लगा कि आज रिहाई हो जाएगी और आज दाग होएगा, तो मैं जाटू खाप चौरासी दनाना से अभी चल कर आया हूँ फिर, लेकिन यहाँ अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही हमें, तो ये बारिश आ गई, बारिश आने दो कोई बात नहीं, हम बारिश में भी अंदर रहेंगे। जैसे बारिश, भारी बारिश है यहाँ पे, बारिश के कारण जो एक तरह से धरना लगा हुआ था, संकेत एक तरह से शांतिप्रिय तरीके से बैठे थे, इन्होंने यही कहा था कि जैसे राकेश टिकैत जी, गुरनाम सिंह चौरूनी और पूरे अलग अलग खापों के यहाँ पे नेता और गौ बचाओ अभियान के जो लोग थे, गौशाला बचाओ अभियान से जो लोग थे वो जुड़े हुए थे, उनका यही था कि डिप्टी कमिश्नर हिसार और एसपी साहब से बात होने के बाद उन्होंने जो आश्वासन दिया था उसके ऊपर ये लोग सहमत हो गए थे। उन्होंने ये कहा था कि जैसे उन धर्मपाल जी का अंतिम संस्कार तब करेंगे जब वो जो बच्चे के ऊपर केस हुआ है, जो बच्चे रिहा होकर आएंगे, जो कि कानूनी कार्रवाई के हिसाब से जैसे भी वो करके पुलिस प्रशासन द्वारा उनको छोड़ा जाएगा, तो अंतिम संस्कार में वो एक तरह से शामिल होंगे। उसी हिसाब से अभी तक अंतिम संस्कार भी नहीं किया हुआ, अभी उनकी सबको एक तरह से गौशाला में रखा गया है, डी फ्रिज में यहाँ पर रखा गया है, और यहाँ से पूरी अब जानकारी और भी लेंगे हम। अभी जैसे कि लोग जो गए हुए हैं, कितने बजे गए हुए हैं यहाँ से? सुबह किस टाइम गए? सुबह के जा रहे। अच्छा थोड़ा सा आप आ जाओ, ये युवा हैं, हो सकता है आप बताइए क्या कब गए? जो कमेटी वाले हैं जो जमानत के लिए गए हैं सुबह से जाए हुए हैं, हमारे हिसाब से तो ये लगता है हमारा समय को जाया किया जा रहा है। कल से लेकर आज तक कागज कार्रवाई चल रही है। हम आपके चैनल से ही बताना चाहते हैं, हम जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक जो हमारे युवा भाई जेल में वो बाहर नहीं आ जाते और जब तक केस वापस नहीं हो जाते और हमारी मांगों पर पूरी तरह से नहीं हो जाती, जब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जी। शांतिप्रिय तरीके से यही आश्वासन दिया था कि जब तक वो रिहा होकर नहीं आएंगे तब तक हम डेड बॉडी की अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, इस तरह की बात हुई थी। उसी के चलते आज दूसरा दिन है एक तरह से, और यहाँ पर प्रशासन को जल्दी से जल्दी जो कि जो बातचीत हुई थी, जो एक तरह से सहमति हुई थी, उस पर गौर करके जल्दी जल्दी उनको रिहा करें ताकि अंतिम संस्कार हो और अंतिम संस्कार में वो बच्चे भी शामिल हो, इस तरह की बात हुई थी। लेकिन फिलहाल अगर बारिश रुक गई है थोड़ी सी, हम लोग बाहर निकलते हैं, महिलाएं भी बाहर निकल के आई हैं और यहाँ पे जैसे अमर रहे अमर के नारे भी यहाँ पे लग रहे हैं, महिलाएं भी यहाँ पर हैं, महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, एकदम से बारिश आ गई, आप लोग जो बैठे हुए हैं अभी जो बच्चे रिहा होकर आएंगे उसके अंतिम संस्कार की बात है, क्या कहोगे? हमारे सारे मांग पूरी होंगी और फिर बच्चे घर पाए जी। अच्छा हाँ, या मांग समारी। अभी जैसे कि बारिश हुई एकदम से, आप लोगों ने अपने गद्दे जो बिछा रखे थे वो सिर पर लेकर यहाँ बड़े एकदम से हवा भी चली और बारिश भी हुई, इस तरह की दिक्कत भी आ रही, समस्या भी आ रही है। भाई हमने खड़े बैठा रहना है, इतना नियम दे जी। हाँ। तो आज लगता है कि एक तरह से बच्चे रिहा होकर आएंगे? हाँ, मैं तो जमा अड़े नहीं सोचा, हमारे बालक आज जी और हमारा ही सारा न्याय बन जे, तीन भी न्याय था, हम तो हमारे तो बूढ़े सारे बालक, हम तो अड़े रहा स्कूल की बिटाला हुई थी सबके बच्चिया के, हम तो जमा शायद चढ़ा रखी अड़े दिन हमारा बूढ़े बुधर गई है सारी लुगाई 70-70 साल की, 200-300 लुगाई तो गांव में जाए ली भी बेचारी, हम तो बहुत तंग कर रखे, हमारा तो न्याय नहीं हुआ जेब के, हमारे तो नरे डंडे खाए रखे हैं तो भी आ रही हम। तो आप क्या कहोगे, आज कितनी उम्मीद है जैसे कि प्रशासन के पास वो गए हुए हैं एक तरह से, वहाँ से एक तरह से रिहा करवाने के लिए, लगता है कितने बजे तक आएंगे? वो तो हमने भी पता नहीं, हमारे कोई मैसेज नहीं आया सर। अच्छा, ये भी लोग कोई मैसेज नहीं हमारे पास के, कोई आओगे कोई आओगे, हाँ न्याय हमें मिल जाएगा, जिन हमें दाग देंगे, हमारे बच्चे आ जाएंगे, हमारे केस उल्टे हो जाएंगे, जो हमारी मांग सो मांगे पूरी हों और जिन हमें हमारा अंतिम संस्कार करेंगे। इनकी भी यही बात है, जब वो बच्चे आ जाएंगे उसके बाद अंतिम संस्कार करेंगे, उसी बात पे अड़े हुए हैं ये जी। क्या कह रहे हो? तीन महीने हो गया हमने बैठे, चौथा महीना लग गया, शांतिपुर से बैठे, पुलिस की डांडे तुम्हारा जवान मरिया से और
पुलिस हमारे ऊपर केस करे से, पुलिस हमारे ऊपर मुकदमे ठोके से, ठीक है। नया ब्याह सरकार कैसे को नहीं, गुंगी बारी सरकार से, इसका नया नहीं कोई, इसका बात नहीं। बताओ क्या आज रिहा हो जाए भाई? रिहा के दोनों है बेटा, विश्वास तो है नहीं सरकार में, फिर माँ मैं भी इतने मारे बेटे छुटके नहीं आवेंगे। अरे भाई जो हमारी मांग है, जो सारी मांग पूरी नहीं होगी नहीं, इतने देह संस्कार नहीं करेंगे भाई, चाहे कितने समय लायक जियो। अरे या तो भाई गूंगी बहरी सरकार है या मानने वाली बहुत मुश्किल है, विश्वास तो ये बहुत देव है ये, फिर विश्वास इन पर शायद होगा नहीं, सारे विश्वासघात करने लायक रहे हैं। अरे देखो भाई आज तो है भाई, जे आज हमारा फैसला जो हमारे बच्चे आ जाए वह देह संस्कार हो जाए, अभी तो वह देह संस्कार नहीं करांगे जी। वही बात है जैसे परसों हमने बातचीत की थी राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत से भी बात हुई, जो गुरनाम सिंह चौधरी से भी बात हुई, और डॉक्टर राजेंद्र सुराव के बहुत लोगों से हमने बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि प्रशासन से बात हुई है, सहमति बन गई, अनाउंसमेंट हुआ, वहाँ से एक तरह से एक मीटिंग बुलाई गई थी, उसके हिसाब से उन्होंने यही कहा था कि जो डेड बॉडी यहाँ पे रखी गई है इसको हम गौशाला में रखेंगे, और जो हमारे बच्चे उनके ऊपर जो केस बनाए वो वापस हो, वो बाहर आए बच्चे किसी भी कानूनी प्रक्रिया से वो बाहर आ जाएँ, बाहर आने के बाद अंतिम संस्कार में शामिल हो, उसी बात पर अड़े। और आज भी ये लोग धरने पर बैठे हैं, प्रशासन क्यों, दो दिन का समय हो चुका है, आज आधा दिन आज का चला गया है, जल्दी से जल्दी करके ताकि उन बच्चों को रिहा करें, ताकि वो लोग यहाँ आकर वो डेड बॉडी जो धर्मपाल जी की रखी गई है अंतिम संस्कार के लिए उनको अंतिम संस्कार करें। तो उसी इंतजार में ये लोग भी बैठे हैं, इसी के चलते बीच बीच में बारिश हो रही है, कल की भी बहुत बड़ी बारिश थी एक तरह से बरवाला हल्के में, पूरी दोनों बरवाला क्षेत्र की अगर बात करते हैं बारिश से लबाला भरा हुआ था, उसी हिसाब से अभी भी बारिश हो रही है। आप देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बारिश है, किस तरह से बैठे हुए हैं, अपने सिर के ऊपर जो बिछाए हुए गद्दे उनको सिर के ऊपर रख के ताकि भीगे ना, लेकिन उसके बावजूद भी भीग जाते हैं। बुजुर्ग औरतें हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, आपने रोटी पानी घर का काम सारा छोड़ के, पशुओं का काम छोड़ के, अपने छोटे छोटे पोता पोती को छोड़कर यहाँ पर एक तरह से बैठे हुए हैं इसी मांग के लिए कि ताकि इनकी सुनवाई हो और धर्मपाल जी के अंतिम संस्कार हो, जो इनकी कि धर्मपाल जी के अंतिम संस्कार के लिए इसी तरह से महिलाएं और बुजुर्ग लोग यहाँ पे तुरंत बैठे हुए हैं। तो हमारा यही निवेदन है सरकार जल्दी से जल्दी करके इस उसको मसले को हल करें, और जल्दी से जल्दी इनकी एक तरह से जो बात हुई थी, जो समझौता हुआ था उस पर खरा उतर के कार्य करें, इस तरह के हम लोग कहेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ तस्वीर पूरा का पूरा, आप देखिए यहाँ पे पूरा टेंट लगा हुआ था, टेंट एक तरह से उखड़ चुका है, आंधी आई थी, आंधी की वजह से पूरा पानी से भरा हुआ है, डेली की डेली यही काम है, इनका भी यही, इनको भी तकलीफ है इतने समय से बैठना। अगर सरकार पहले अगर मान जाती तो ठीक है, क्यों बातचीत के रास्ते से हल करना होता है, वहीं पर सरकार को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे आप लोग जैसे पुलिस बल तैनात करना है, आना जाना उनका, रोटी पानी प्रशासन का लगाए रखना, ये भी बहुत बड़ा खर्चा होता है, लेकिन इसको ध्यान में रखे प्रशासन अगर पहले कदम उठाकर बातचीत करता तो बातचीत के माध्यम से रास्ता निकल सकता था, बंदे की जान भी नहीं जाती, वो भी बच जाते, कई पुलिसकर्मी घायल वो भी नहीं होते, लेकिन सूझबूझ के सरकार को जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना हो। अभी तो यही हमारी गुजारिश है, जल्दी से जल्दी उन बच्चों को कानूनी प्रक्रिया से जो भी रिहा करना है उस हिसाब से करें, और आकर डेड बॉडी के अंतिम संस्कार करें, इसी उसमें उद्देश्य में सभी लोग लगे हैं। हम भी आपसे ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उन बच्चों को छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, जो आपकी प्रक्रिया है उसको जो कि समझौता हुआ था उसी के तहत कर ताकि यहाँ आकर जो धर्मपाल जी की डेड बॉडी है उनका अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी हो।